नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बिलरुबिन के बारे में कि बिलरुबिन क्या होता है, अगर ये बढ़ जाए तब क्या होगा, क्या वाकई में बढ़ने से हमें पीलिया होता है, या फिर कौन कौन से डिसीजेस की वजह से बिलरुबिन हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। तो अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और इससे पहले हमने और भी लिवर फंक्शन टेस्ट की बात कर रहे थे इसके पहले वीडियो में, जो कि SGPT एंड SGOT था। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि सारे ब्लड टेस्ट पढ़ने के बाद ही हम ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो खून होता है वो तीन तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम RBC बोलते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। तो जो हमारी RBC होती है, उसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो हमें लाल दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि शुरू से लेके अब तक हमारे ब्लड में एक ही RBC रही हो, नहीं। RBC का भी एक पर्टिकुलर लाइफ होता है, जो कि 120 दिन का होता है। तो 120 दिन बाद ये जो हमारी RBC है, वो हमारे बॉडी के एक ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन, वहां पे जाके ये टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसके टूटने के बाद जो इसके टुकड़े होते हैं वो हमारे खून में बह जाते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जब डिस्ट्रॉय होता है तो वहां से एक कंपोनेंट बनता है जिसको हम कहते हैं बिलीवार्डन। बिलीवार्डन से कन्वर्ट होकर ही ये हमारा बिलरुबिन बनता है। तो बिलरुबिन क्या है? जो रेड ब्लड सेल्स के मरने के बाद जो डेब्रिस होता है, या फिर कह लें जो वेस्ट मटेरियल बचता है, अवशेष बचता है रेड ब्लड सेल्स का, उसे हम कहते हैं बिलरुबिन। अभी बिलरुबिन दो प्रकार का होता है, कंजुगेटेड या फिर डायरेक्ट बिलरुबिन, अनकंजुगेटेड या फिर हम इसको कह सकते हैं इनडायरेक्ट बिलरुबिन। आपने किसी की लिवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट देखा हो तो उसमें लिखा होता है बिलरुबिन टेस्ट में कि टोटल बिलरुबिन कितना है, डायरेक्ट बिलरुबिन कितना है और इनडायरेक्ट बिलरुबिन कितना है। तो इसमें से जो डायरेक्ट बिलरुबिन होता है वो इजिली हमारे ब्लड में घुल जाता है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होता है। तो ब्लड में घुलने के बाद ये इजिली हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, हमारे पेशाब के थ्रू और मल के थ्रू। लेकिन जो अनकंजुगेटेड होता है, या फिर कह लो कि जो इनडायरेक्ट हमारा बिलरुबिन होता है, वो इजिली बॉडी से बाहर नहीं निकलता। इसको एक स्पेशल केयर चाहिए होती है, जो कि ब्लड में मूव करने के लिए। तो हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं एल्बुमिन। तो यही जो एल्बुमिन है वो बिलरुबिन को अपने साथ बाइंड करके लिवर तक लेके आता है। तो यहीं शुरू होता है लिवर का रोल। तो लिवर हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ करता है। तो जो बिलरुबिन जो कि एल्बुमिन लेकर आया है लिवर के पास, उसे लिवर यूटिलाइज करता है, कन्वर्ट करता है ऐसे फॉर्म में जिसको आसानी से बॉडी से बाहर निकाल सके। तो लिवर जो इनडायरेक्ट बिलरुबिन को डायरेक्ट बिलरुबिन में कन्वर्ट करता है, जो कि ब्लड में आसानी से घुल जाता है। तो ब्लड में घुलने के बाद बिलरुबिन हमारी आंतों के द्वारा मल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी वजह से हमें मल का कलर जो है वो येलो दिखाई देता है, क्योंकि इजली ब्लड में घुल जाता है। तो ब्लड वेसल्स के द्वारा ये किडनी तक भी पहुंचता है और फिर पेशाब के रास्ते ये बाहर निकलता है। इसी वजह से हमें जो पेशाब है उसका कलर येलो दिखाई देता है। तो सोचिए, अगर हमारा लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा? वो इनडायरेक्ट बिलरुबिन को डायरेक्ट बिलरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से बिलरुबिन का हमारे ब्लड में अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और क्योंकि बिलरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इस कंडीशन में हमारी आँखें, हमारी स्किन का कलर हमें येलोइश दिखाई देगा, क्योंकि ये येलो टाइप का पिगमेंट है, या फिर कह सकते हैं कि येलो टाइप का कलर है। इसी को हम बोलते हैं पीलिया। इसमें लिवर का ठीक से काम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है, या फिर कह सकते हैं अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में कन्वर्ट करता है। आइए एक इमेज के थ्रू समझते हैं। रेड ब्लड सेल्स डेड होती हैं कहाँ पे? जाकर हमारे स्प्लीन में जाकर, मतलब 120 डेज बाद जो रेड ब्लड सेल्स है वो हमारे स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय होंगी। तो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होने के बाद जो बिलरुबिन है अनकंजुगेटेड फॉर्म है, वो बाउंड होगी किससे? एल्बुमिन से, जो कि क्या है, हमारे ब्लड में एक टाइप की प्रोटीन से, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है ये प्रोटीन। अब ये बाइंड होके कहाँ पर जाता है? हमारे लिवर के पास। तो लिवर में प्रोसेस होने के बाद ये हमारा जो कॉमन बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट के थ्रू ये हमारा गट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये एक्सक्रीट होगा फीसिस के थ्रू, मतलब मल द्वार से ये हमारा एक्सक्रीटेड हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से भी कुछ अमाउंट हमारा किडनी के पास जाएगा, और किडनी के पास जाने के बाद ये एक्सक्रीटेड होगा हमारा
यूरिन के थ्रू। आइए जानते हैं क्या कारण है जिसकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो सबसे मुख्य कारण है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है, तो ये हमारे लंग को इन्फेक्ट करता है। तो काफी लंबे टाइम से अगर हेपेटाइटिस है तो इससे हमारा जो लिवर है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो लिवर डैमेज होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, लिवर हमारा ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, ज्यादा अमाउंट बिलिरुबिन का हमारे ब्लड में रह जाएगा जिसकी वजह से हमें पीलिया होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा शराब है, शराब के पीने से भी हमारा जो लिवर है वो डैमेज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, लिवर डैमेज होगा तो लिवर प्रोसेस नहीं कर पाएगा, मतलब अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड में नहीं बदल पाएगा जो बिलिरुबिन है उसको, जिसकी वजह से भी बिलिरुबिन हमारे ब्लड में इकट्ठा होता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा पित्त वाहिनी का बंद हो जाना, मतलब जो हमारा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि जो हमारा बाइल है, बाइल जूस है जिसको लिवर सिक्रीट करता है, तो बाइल जूस थोड़ी देर के लिए हमारे गॉल ब्लैडर में रहता है, और गॉल ब्लैडर के बाद ये हमारी जो छोटी आंत है वहां पर जाता है। तो वहां से जाने के बाद ये हमारा मल द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। तो किसी भी वजह से अगर हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, तो स्टोन होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा बिलिरुबिन है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, मतलब रुकावट होगी जिसकी वजह से ये आगे मूव नहीं कर पाएगा छोटी आंत में, जिसकी वजह से भी क्या होगा, जो बिलिरुबिन है उसका अमाउंट जो है हमारे ब्लड में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसकी वजह से भी हमें पीलिया होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कोलोस्टेसिस। लिवर का काम होता है कि खाने को पचाने के लिए बाइल को बनाना, बाइल जूस को बनाना, लेकिन ब्लॉकेज की वजह से किसी भी स्टोन या ट्यूमर की वजह से क्या होगा कि उसमें जो हमारा जूस है लिवर, जो कह सकते हैं कि हमारा जो बाइल है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उस कंडीशंस में भी ये हमारा जो बिलिरुबिन है वो हमारे ब्लड में इकट्ठा होता रहेगा। सिरोसिस क्या होता है, काफी टाइम से अगर कोई भी लंबी बीमारी चली आ रही है आपके लिवर में तो वो लिवर को खराब कर देती है। तो अगर लिवर डैमेज होगा, लिवर में कोई प्रॉब्लम्स होगी, तो वो हमारी इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा बिलिरुबिन को, जिसकी वजह से भी बिलिरुबिन का अमाउंट हमारे ब्लड में ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, मतलब जो हमारा लिवर है उसमें बहुत ज्यादा फैट का एक्युमुलेट होना, फैट का इकट्ठा होना, तो बहुत ज्यादा फैट अगर इकट्ठा हो जाएगा हमारे लिवर में तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे लिवर में स्वेलिंग आ जाएगी। तो लिवर में स्वेलिंग होगी तो लिवर ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से भी क्या होगा, बिलिरुबिन हमारे ब्लड में इकट्ठा ज्यादा होता रहेगा, जिसकी वजह से हमें पीलिया होने के चांसेस रहते हैं। नवजात शिशुओं में पीलिया का कारण क्या है जान लेते हैं। बहुत ही कॉमन सी चीज है, बच्चों में बहुत ज्यादा पीलिया होते हैं जो न्यू बॉर्न होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्रॉपरली सारे ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाते हैं, स्पेशली जो हमारा लिवर है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है। तो अगर सही से डेवलप नहीं होगा तो वो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, पीलिया बहुत जल्दी हो जाता है। और दूसरी कंडीशन है कि माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग होना, मतलब अगर माँ का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, बच्चे का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, पीलिया होने के चांसेस रहते हैं। आइए जानते हैं क्या नॉर्मल रेंज है। तो टोटल बिलिरुबिन की बात करी जाए तो 0.3 से 1 mg पर dl है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की बात करी जाए तो 0.2 से 0.8 mg पर dl है। डायरेक्ट बिलिरुबिन की बात करी जाए तो 0.1 से 0.3 mg पर dl होता है। अगर ये बिलिरुबिन का लेवल हमारे ब्लड में 2.5 mg पर dl से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम जॉइंडिस बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।